guys, welcome back to our channel. This is Ahil and you're watching RHK vlog. So finally, आज हम जा रहे हैं VTP वाले प्रोजेक्ट पे क्योंकि हमें पूरा अपडेट लेना है बिकॉज अभी उनका फ्लेमेंटे भी आया है, डोल्चे वीटा आया है, वहाँ पे एक और प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में भी हम थोड़ी इन्फो लेंगे, लैंड पार्सल वगैरह देखेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, बट उसका रहेगा अलग सा व्लॉग. आई नो कि बहुत दिन से आप वेट कर रहे हो, तो फाइनली अब आपको तीन व्लॉग ऐसे मिलने वाले हैं आगे चल के जो नए अपडेट्स के बारे में और नए प्रोजेक्ट के बारे में रहेंगे फ्रॉम द खराड़ी लोकेशन. ठीक है, चलो. कितना सही दिख रहा है, फाइनली कलर कर दिया विजय वाली बिल्डिंग को. इसका है ना पोजीशन है अभी जल्दी, और यहाँ पे भी है ना कुछ रीसेल वाले प्रॉपर्टीज आए हैं हमारे पास में, इन लोगों को बेचना है. सो यहाँ पे 2BHK जो है अभी अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो वो कनेक्ट कर सकते हैं. आप इसमें रोड भी देखते हो जाइएगा. ये रहा VTP का सबसे पहला प्रोजेक्ट, VTP पेगासस टाउनशिप का, जो कि VTP अल्टायर. तो ये देखो इतना सारा काम हो गया है. पता नहीं कब गएंगे, मतलब ये ऐसा है ना कि ऐसा सुनने में आया था कि टावर नंबर 7 के पोजीशंस हो रहे हैं ना, तो ये जो हाइट है ना इसको कब रिजॉल्व करेंगे पता नहीं है. बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है अगर ये रोड की फिलहाल कनेक्टिविटी रहेगी तो अगर कोई VTP वाला देख रहा है तो प्लीज उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, अगर फिलहाल अभी ये कनेक्टिविटी रहेगी तो उस रोड को क्लियर करें. ओके गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं सेल्स ऑफिस पे. पहले ऐसा था कि इस रोड से आने के बाद में ना ये रोड ऐसा सीधा आगे जा रहा था, अब यहाँ पे है ना बैरिकेटर लगा हुआ, ये बंद किया है. ये बंद क्यों किया है, क्योंकि गेरा का लैंड पार्सल है ना यहाँ पे है, और अभी अगर किसी को सिग्नस या फिर ब्योमोंट पे जाना है तो सेल्स ऑफिस के पीछे से जाते होते हुए उधर साइड में जाना पड़ेगा, आगे से ऐसा रोड उधर से. चलो फिर अभी चलते हैं हम आगे डोल्चे वीटा पे. डोल्चे वीटा का भी लोकेशन हम दिखा देंगे इनको कहाँ पे. अभी नया रोड है, इस पर से इसकी कंडीशन ऐसे दिख रही है, पूरा बना नहीं है अभी स्टार्ट किया उन्होंने नया वाला रोड. और ये वाला जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये वाली जो बाउंड्री किसी का पर्सनल लैंड पार्सल है, इसलिए यहाँ से भी रोड का काम स्टार्ट नहीं हुआ है. लेफ्ट साइड में आपको जो लैंड पार्सल दिख रहा है ना, ये है गेरा का नया लैंड पार्सल. ये आने की वजह से वो जो पहला वाला रोड था ना, वहां से भी एक्सेस बंद किया है और ये नया रास्ता बनाया. बोलेवार्ड गोदरेज का, तो बोलेवार्ड के बराबर सामने ये जो पूरा लैंड पार्सल आपको दिख रहा है ना, यहाँ से जो टर्न लेने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डोल्चे वीटा का लैंड पार्सल, मतलब ये VTP का है. सो आगे जो डोल्चे वीटा जो R10 था ना कोड नेम, वो यहाँ पे डोल्चे वीटा इस लैंड पार्सल पे बनेगा. सो यही रोड आगे सीधा जा रहा है, वहाँ पे है ब्योमोंट और वो है आगे सिग्नस. सिर्फ एक साइड का ही रोड अभी तक बन पाया है अच्छे से, और अभी हम पहुंच गए हैं ब्योमोंट तक. ओके
ये रहा बीटीपी ब्योमोंड का एंट्रेंस और ये टावर नंबर शायद 5 है, उसका भी कलर का काम चालू हो गया है। तो चलिए पहले हम देखते हैं सिग्नस टावर का कितना काम हुआ है और वहां पर रोड की कंडीशन क्या है। तो सिग्नस के बाद हम देखेंगे ब्योमोंड टावर का अपडेट। यहाँ पर अभी भी रोड खराब है, ये वाला रोड तो सच में बना नहीं है अभी सही तरीके से। और यहाँ पे भी कुछ शॉप्स है, वो जो सामने का दिख रहा है आपको काम चल रहा है, वो चल रहा है ईफूरिया का। अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। नाइस, पूरे प्रॉपर पार्किंग वगैरह अच्छे से कर दिया है, यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है और काफी सारी गाड़ियां दिख रही है, वगैरह की पॉल्यूशन हो गया तो लोग आ ही गए रहने के लिए। ओके गाइस, तो हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। ये पीछे है टावर नंबर 7, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या क्या इन्होंने बनाया है, लॉबी वगैरह सब ये देखेंगे, फ्लैट भी देखेंगे ऊपर जाके किस तरीके का बना है। ओके, सो ये है टावर नंबर 7 और यहाँ पे देखो कोई तो रह रहे हैं, ऑलरेडी लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पे। और नीचे है ये पूरी पार्किंग वाली एरिया और ये है टावर नंबर 8। अब टावर नंबर 8 के सामने जो है यहाँ पे ये है पार्किंग, ये पार्किंग यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर एमिनिटीज बनने वाली है। ये है ब्योमोंड वाली बिल्डिंग इसके बाजू में और ये है मेरी नकटू। सो ये है इनकी लॉबी, लॉबी में चल के एक बार देखेंगे, ठीक है चलो। ओके, सो ये है इनकी लॉबी, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने आके देखे है यहाँ पे। यहाँ पे एक लिफ्ट है, ये स्टेयरकेसेस है एंड यहाँ पे 2 लिफ्ट है और यहाँ पे एक लिफ्ट है। सो आपको यहाँ पे मिलेंगी 4 लिफ्ट और ये जो ग्लास दिख रहा है यहाँ से आप पार्किंग की तरफ जा सकते हो और यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अच्छी लग रही है लॉबी। सो हम जा रहे हैं अभी सर्विस लिफ्ट से, सो दिस इज द सर्विस लिफ्ट और हम जाएंगे अब 22nd फ्लोर पे। पहले हाँ लगा के उसको कवर्ड करके रखा, ये अच्छी चीज है, खराब नहीं होती है लिफ्ट। बड़ी बाद में तो निकालेंगे ही सही, जब पूरा ऑक्यूपाई होगा तो उसके बाद। अब देखते हैं देखो हम कितने फास्ट जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी हायर टॉप फ्लोर पे लिया है ना फ्लैट, उनको समझ में आएगा स्पीड की लिफ्ट सही। लिफ्ट की स्पीड बिल्कुल भी जर्क नहीं समझ में आ रहा है कि लिफ्ट जा रही है। अच्छी चीज है, नई चीज है, नई चीज है। ओके, सो ये हम आ गए हैं 22nd फ्लोर पे। यहाँ पे फ्लैट्स हैं, यहाँ पे एक्सिट है, सो ये 2 लिफ्ट भी हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, देखो दिख रहे चप्पल जो थे। सो अभी हम जाएंगे ऊपर के फ्लोर पे, मतलब हम जा रहे हैं टेरेस पे। सो टेरेस पे जाने के लिए हम स्टेयरकेस से जाएंगे, चलो जल्दी जल्दी। ओके गाइस, सो अभी हम आ गए हैं टेरेस पे। टेरेस पे सोलार वगैरह लगा हुआ है ऑलरेडी। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से, ओके सो ये है पूरा का पूरा वेस्ट साइड। देखो ये यूफोरिया का काम दिख रहा है यहाँ से आपको। इतनी तेज हवा चल रही है, पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही नहीं आ रही, बट बहुत तेज हवा चल रही है। ये सोलार लगे हुए ऊपर, वो है पूरा एमिनोरा वाला सेक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ ईस्ट साइड। सो दिस इज ईस्ट साइड, ये काम हो रहा है ब्योमोंड का, वो स्कूल है। और यहाँ पे ये जो है ये एमिनिटी सेक्शन बन रहा है यहाँ पे ऊपर, दिख रहा है ये वाला। कैसा लग रहा है नक्टू? जो लोग 23 फ्लोर पे जो लोग लेने वाले हैं, जिन्होंने अपनी 3rd फ्लोर पे लिया है 10th टावर में 11 12th में, उनको यहाँ से ऐसा व्यू आने वाला है।
ओके गाइस, तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और आपको एक 1 BHK का एक फ्लैट दिखा देंगे और उसके बाद ब्योमॉन्ट के अंदर जाएंगे और वहां से ब्योमॉन्ट के अंदर भी एक फ्लैट देखेंगे हम, टावर नंबर 4। ठीक है, चलो। ओके, तो यहाँ पे जिस कॉर्नर पे यहाँ पे 4 फ्लैट है, तो 4 फ्लैट के डोर ऐसे हैं, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, और ये जिंका भी है अगर आप देख रहे हो, ये आपके नंबर प्लेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाला। ठीक है, सो एक साइड में 4 फ्लैट है, फिर बीच में पूरी बड़ी सी ऐसी लॉबी है, लॉबी के बाद में यहाँ पे फिर 2 फ्लैट आते हैं इधर और इधर। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये 2 लिफ्ट, पैसेंजर लिफ्ट और ये स्ट्रेचर वाली लिफ्ट और सर्विस लिफ्ट, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये 2 फ्लैट है और फिर वापस उधर कॉर्नर में 4 फ्लैट है। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे गार्बेज शूट भी है, अब ये लॉक है फिलहाल। तो गाइस, यही का 1 BHK का फ्लैट कैसा लगा तुम्हें, या फिर इसके बारे में क्या बोलना था तुम्हें? लोगों की हाइट मेरी 3-5 फुट, उन लोगों का ऐसा ऊंचा हो गया, फिर नीचे देखना पड़ेगा। ये हाइट कम है, यही का फाइट है, ये रोड इतना वाइड करते, ये फुटपाथ है और ये रोड रहेगा। तो यहाँ पर है 2 लेवल की कमर्शियल शॉप्स और उसके ऊपर रहेगी पार्किंग। अब प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या क्या बना रहे हैं ये लोग, और ये पार्किंग के ऊपर ही एमिनिटीज रहेंगी। तो ये है यहाँ की पार्किंग। ठीक है, ये एक्चुअली जो गाड़ियाँ लगी ना यहाँ पे, इनका ऑफिस है, उनकी पार्किंग है। तो इस तरीके मॉल स्ट्रक्चर में ऐसी पार्किंग आएगी यहाँ पे ऐसा। चलो अभी हम चलते हैं ब्योमॉन्ट। तो ब्योमॉन्ट का ये है टावर नंबर 4 और इसका कलरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो ऐसे विजिटर पार्किंग है इधर, ठीक है, ये गेट के बराबर लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे भी बहुत सारे बाइक्स दिख रहे हैं मुझे नीचे। देखो
गई है, यहाँ पे पार्किंग है ये पीछे पूरी। अभी हम जाएंगे टावर नंबर 4 के लॉबी के अंदर। ये है टावर नंबर 4 की लॉबी, ठीक है। तो यहाँ से अंदर आने के बाद में यहाँ पे राइट साइड में है 2 लिफ्ट, तो यहाँ से ये लॉबी है, ये स्ट्रेट अंदर लॉबी है, वहाँ पे आके आपको यहाँ पे 2 लिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे हम ऊपर। हम आए हैं 22nd फ्लोर पे ब्यूमोंट के, यहाँ से ये पूरी ऐसी लॉबी है। इधर आने के बाद में यहाँ पे ये 2 लिफ्ट है, जिस लिफ्ट से हम आए, और यहाँ पे आने के बाद उधर 2 कॉर्नर फ्लैट है वो। तो एक बार मैं सोचो कि ये वाला जो कॉर्नर फ्लैट है ना, ये देख लेते हैं, है ना। चलो, सो ये है 2.5 BHK। सो 2.5 BHK का हॉल देखो कितना बड़ा है ना। सो बाकी हम देख लेते हैं अंदर। सो यहाँ पे आपको बालकनी नहीं मिलेगी हॉल में, ये वन ऑड कॉन्सेप्ट है। ये है आपका किचन, काफी बड़ा सा किचन है, और इसको प्रॉपर सी ड्राई बालकनी। और यहाँ पे आने के बाद में ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक रूम है, तो ये कॉमन वॉशरूम है इसका। सो पहले हम ये वाला बेडरूम देखते हैं। ये अंदर आने के बाद में ये है वॉशरूम, और ये रहा बेडरूम। सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ मास्टर बेडरूम, और इसको एक बड़ी सी बालकनी है। बालकनी काफी शानदार है, काफी बड़ी बालकनी है, और अच्छी चीज है कि दोनों साइड से ओपन बालकनी है। ये गोदरेज वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ के बेडरूम में देखते हैं, काम भी चल रहा है यहाँ पे। सो ये है किड्स बेडरूम, ये पाइप लगी रहेगी ऐसे बाहर, आपको इसको कवर करना पड़ेगा। So, ये दिख रहा है, ये है डोल्चे वीटा का लैंड पार्सल, ये ऐसा बिल्डिंग रहेगी। और ये वाला जो लैंड पार्सल दिख रहा है आपको, ये है गोदरेज का अर्बन रिट्रीट। यहाँ से दिख रहा है तो मैं जैसे कि वो भी आपको दिखा दूं कि कौन सा लैंड पार्सल है अर्बन रिट्रीट का। अभी हम ब्यूमोंट में अंदर के साइड में आए हैं, अंदर के साइड में देखो नीचे एमिनिटीज है, एमिनिटी सेक्शन, और सामने ना टावर इस तरीके से रहेगा। जिन लोगों ने अगर एमिनिटीज फेसिंग लिया है, उन लोगों का ऐसा व्यू आएगा। बाजू वाला फ्लैट ऐसा दिखेगा नीचे, ये पूरा ऐसा पैक पैक लगेगा ना, जिन्होंने अंदर लिया है। ये सिर्फ आपको ऐसा गैप मिलेगा बीच से था। सो मैं सोचा कि एक बार नीचे से भी आपको व्यू दिखा दूं ब्यूमोंट का, पूरा ओपन पाथवे है। और नंबर 4, और यहाँ पे है लेटर बॉक्सेस, हर एक फ्लैट के लेटर बॉक्स इधर है। कहाँ पे है ये जो लॉबी है ना, इसके यहाँ से बाहर निकलने के बाद इधर। चलो, आ गए हम बाहर। ओके गाइस, तो हमने दिखा दिया आपको एंटायर टावर नंबर 7, टावर नंबर 4, क्या अपडेट है, काम का कैसी क्या चीजें। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि रोड का क्या हो रहा है भाई, रोड बनेगा नहीं बनेगा। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा उस चीज पे कि हाँ रोड बनेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा बट बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। सो थोड़ा सा सबर करो बट रोड बनेगा। अगर जो लोग बोले नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स वहां पे एग्री कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर पोजीशन मिलेंगे ना तो आपको ऐसे थोड़े दिन तो निकालना ही है। हमारी मेहनत, हमारी थकान आप देख रहे हो, अभी हमने खाना नहीं खाया है, 4:45 बजी है। सो इसी मेहनत पे हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज। हम इतने वीडियो डालते हैं, इतनी इन्फो निकालते हैं आप लोगों के लिए,
सब्सक्रिप्शन कर दो यार, कब कितने एक साल के ऊपर हो गया, 6,000 सब्सक्राइबर ही है यार, अभी तक तो लाखों होनी चाहिए, लोगों के हो जाते हैं, हमारा तो 10,000 भी नहीं पहुंचे अभी तक। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें ये भी पूछते कि आप इतना अच्छे से कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते, बताओ यार। अब बताओ क्या ही बोलेंगे, तो प्लीज अगर ये आपको लग रहा है थोड़ा हमारे बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।